हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जी पर. मेरा नाम है हरि प्रकाश. आज की करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने आया हूँ. अब देखते हैं कि आज कौन कौन सी आपके लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आपके न्यूज़ में. ठीक है, सबसे पहला है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वीडन नरेश कॉल्स मुस्ताफ और रानी सिल्विया की मौजूदगी में हरिद्वार के समीप सराय गांव में 14 MLD जल मल उपचार संयंत्र STP का उद्घाटन किया. अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि एक्चुअली है क्या. सबसे पहले तो आपको यहां से याद रखने वाली चीज़ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, है ना, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति, ये कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत. उत्तराखंड के CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत. इसके बाद है स्वीडन के नरेश, वहाँ के राजा कौन है, कार्ल्स गुस्ताफ और रानी सिल्विया. ये चारों चीज़ें आपको बहुत याद, मतलब याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है. उसके बाद ये जो चालू किया गया है STP का संयंत्र, एक तरीके से ये क्या है, STP क्या है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, अब MLD क्या होता है, 14 MLD ये होता है कि जो पर डे आपको कितने मिलियन मिलियन लीटर पर डे, कितना, 14 मिलियन लीटर पर डे आपको पानी मिलेगा, है ना, इस संयंत्र के द्वारा ये चीजें चालू की गई हैं ताकि वहां पे जो भी पानी की कमी रहती है उस चीज को पूरा किया जा सके. उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून. राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने मध्य प्रदेश के देवास में अम्बंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया. ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है, देवास में. ठीक है, किसने चालू किया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये कौन है, अभी हाल ही में प्रेजेंट में कौन है, हरसिमरत कौर बादल. बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की फिटनेस ऐप शिल्पा शेट्टी ऐप को गूगल प्ले की 2019 की सर्वश्रेष्ठ ऐप के लिए चुना गया है. ठीक है, अब इसमें क्या चीज है कि शिल्पा शेट्टी ऐप एक लॉन्च की थी, ये किस लिए है, ये योगा के लिए है, है ना. तो इनको क्या किया गया है, गूगल प्ले का 2019 का सर्वश्रेष्ठ ऐप चुना गया है. ठीक है, भारत और रूस के बीच होने वाले संयुक्त इंदिरा 2019 त्रिसेवा अभ्यास 10 से 19 दिसंबर 2019 तक बबीना झांसी के पास पुणे और गोवा में आयोजित किया जाएगा. अभी कल हमने क्या पढ़ा था कि भारत और चीन के बीच कौन सा अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड. ठीक है, एक भारत और बांग्लादेश के बीच पढ़ा था हमने कि कौन सा होता है, अब आज कौन सा मिला है अपने को, भारत और रूस के बीच. ये नवंबर दिसंबर का टाइम रहता है, तो भारत का कई देशों के साथ ये जो एक्सरसाइज होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ज़्यादातर होती है और ये फिर पूरे साल एग्जाम में पूछी जाती है. तो अभी जो भी हो रही है तो इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं अलग से, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा जाना फिक्स है, एक क्वेश्चन इनसे बनता ही है. रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन. मॉस्को रूस की राजधानी है और वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल. ब्रिटेन ने लंदन में 2 दिन चलने वाले 2019 के नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो का फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. मतलब ये नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं, ब्रिटेन के लंदन में. इसमें टोटल देश कितने हैं, 29, और इसकी स्थापना कब हुई है, एस्टेब्लिश ईयर कब है, 4 अप्रैल 1949. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स की राजधानी है बेल्जियम, याद रखिएगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया. अब वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है अभी हाल ही में, पीयूष गोयल. ठीक है, HDFC ERGO ने शुरू की माई हेल्थ वुमन सुरक्षा नीति. अब ये HDFC तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन. ठीक है, पर ERGO क्या है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी है, बाहर की है, है ना. तो इसने क्या टाई अप कर रखा है, इसमें 51 और 49 का रेशियो चलता है, मतलब HDFC के 51 शेयर हैं और 49 किसके शेयर हैं, ERGO के. ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने कॉपरेशन कर रखा है आपस में. तो इन्होंने क्या है, एक नई मतलब कुछ चालू किया है, एक तरीके की स्कीम कह सकते हैं अपन, कि वुमेन के लिए चालू किया है कि इसमें वुमेन को इंश्योरेंस के तहत बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी. ठीक है, अब HDFC ERGO इसके CEO और MDO को MD कौन है, रितेश कुमार. इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, HDFC ERGO का मुंबई महाराष्ट्र में. HDFC का फुल फॉर्म आपको पता ही है.
टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के पहले जीवित व्यक्ति बन जाएंगे जिनके सम्मान में एक सिक्का रखा गया। ये अभी हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, क्योंकि ये कहाँ के हैं, सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। ये पहले व्यक्ति हैं अभी तक विश्व इतिहास में कि ये पहले व्यक्ति हैं जिनके नाम पर सिक्का, सिक्के में उनकी फोटो छापी गई है, किसमें, 20 फ्रेंक सिल्वर कॉइन में, है ना। और वो अभी जिंदा है, नहीं तो ज्यादातर आपने इंडिया में भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे सिक्के बनाए जाते हैं पर उनके मरने के बाद, पर ये पहले व्यक्ति हैं दुनिया के सब सभी चीजों में, ठीक है। राष्ट्र आज प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब महापरिनिर्वाण क्या है, ये इनकी इस दिन क्या है, डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी क्या मनाई जाती है, भीमराव अम्बेडकर जी की, 6 दिसंबर को, ठीक है। आज के लिए इतनी न्यूज़ थी, बाकी अपन अब मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।